संसद सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष द्वारा शनिवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि सभी पार्टियों के नेताओं और सांसदों से अच्छी बातचीत हुई, हम एक प्रोडक्टिव पार्लियामेंट सेशन चाहते हैं। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेताओं ने सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग का आश्वासन दिया है। सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और सत्र से पहले सरकार ने भी रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत से अब तक 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं और इससे संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु दर में भारी कमी आई है। मुंबई ने पानी की गुणवत्ता से संबंधित सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मुंबई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, रांची, रायपुर और अमरावती में पानी की गुणवत्ता बहुत अच्छी पाई गई। वहीं पटना, लखनऊ, देहरादून, चेन्नई, कोलकाता और राजधानी दिल्ली में पानी की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी फॉर्म और रिटर्न को सरल बनाने के विषय पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इसका उद्देश्य जीएसटी फॉर्म को सरल बनाना और इसको भरने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राफेल मुद्दे पर केंद्र सरकार को क्लीन चिट दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश की जनता को राफेल मुद्दे पर गुमराह किया है। कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्नाव में प्रशासन द्वारा अधिग्रहित जमीन पर कब्जे के दौरान पुलिस और किसानों के बीच हुई हिंसक झड़प, पुलिस के क्षेत्राधिकारी सहित कई अधिकारी घायल। किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। फतेहपुर के चितौरा में निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज का उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने निरीक्षण किया। धान खरीद को लेकर बनी नई नीति के तहत प्रदेश की योगी सरकार ने वादे और बटाई पर खेती करने वाले किसानों को भी अपनी उपज को सीधे क्रय केंद्रों पर विक्रय करने का अधिकार प्रदान किया है। इसके तहत बटाई पर खेती करने वाले किसान को एक निर्धारित प्रपत्र भरना होगा। कई बार हम चीन की शक्तियों का बहुत अधिक आंकलन कर लेते हैं, लेकिन हमारे वायु सैनिक कौशल एवं सैन्य अनुभव में उनसे बहुत आगे हैं। हमने उनसे ज्यादा जंग लड़ी है और विपरीत परिस्थितियों में उनका प्रदर्शन किया है। उक्त बातें बीएचयू के सभागार में रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने कही। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थापित क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण कार्यों का लोकार्पण व राजकीय मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी ने किया। बाराबंकी जिले में जन्मजात विकृतियों से परेशान बच्चों के लिए सरकार की राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना गरीब व बीपीएल परिवारों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। जिले में अब तक करीब 86 लोगों का बड़ा ऑपरेशन हो चुका है। आजमगढ़ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जैव प्रौद्योगिकी नई दिल्ली वन एक्सपो संस्था और नीति आयोग भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही अनुसूचित जाति उपज योजना के अंतर्गत किसानों को निःशुल्क 3,237 प्रजाति के गेहूँ का वितरण किया गया। जनपद शाहजहांपुर में पर्यावरण संरक्षित करने को लेकर जहां डीएम व एसपी गांव गांव भ्रमण कर किसानों को पराली न जलाने के फायदों के साथ सख्त हिदायत दे रहे हैं, वहीं स्कूली बच्चे बापू पराली न जलाओ जैसे नारों से किसानों को रैली निकालकर जागरूक कर रहे हैं। अयोध्या जनपद के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में 5 साल पूर्व एक मासूम बालिका की गैंग रेप के बाद हत्या कर शव नाले में फेंक दिए जाने के मामले में अदालत ने 2 नामजद आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 1,35,000 का जुर्माना भी लगाया है।